हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पॉक्सो एक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 12। इसमें सेक्शुअल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है पॉक्सो एक्ट का। इट इज़ इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 12 तक के ऑफेंसेज डिफाइंड है और उनकी पनिशमेंट डिफाइंड है। सबसे पहले है पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सो नाउ He penetrates his penis into vagina, mouth, urethra or anus of child. यहाँ पर ध्यान से देखना, ही लिखा हुआ है, ठीक है। और inserts any object, देखो या तो वो vagina, mouth, urethra, anus में penetrate करता है, या कोई object insert करता है, या manipulate करता है any part of the body, or he applies mouth to vagina, penis, anus, urethra or makes the child to do so. सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। देखो क्या बात है, सबसे पहले तो पेनिट्रेशन की बात है, विजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस में। ये चारों वर्ड आप, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है। तीसरी बात क्या है कि बॉडी के पार्ट को मैनिपुलेट करता है। चौथी बात कही है कि माउथ अप्लाई करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, या तो वो खुद ऐसा कर रहा है, सॉरी हाँ, या तो वो खुद ऐसा कर रहा है या वो किसी और से ऐसा करवा रहा है, ठीक है। या तो वो खुद ऐसा कर रहा है या किसी और से ऐसा करवा रहा है, ठीक है। सेक्शन 4, एक मिनट, लेट मी जस्ट रीड आउट, आई थिंक आई एम गोइंग रॉन्ग। ही अप्लाइज हिज माउथ, आई एम रीडिंग क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 3। ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पीनस, वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। हाँ, या तो वो खुद ऐसा कर रहा है या तो उस वो बच्चे से वो ऐसा करवा रहा है, या तो खुद के ऊपर ऐसा करवा रहा है या किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ऐसा करवा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, मैं गलत जा रही थी, समझ में आया कि या तो वो खुद माउथ अप्लाई कर रहा है या तो वो उस बच्चे से किसी खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर ऐसा करवा रहा है, ठीक है। तो ये है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एलिमेंट्स हमको याद रखने, ये पेनिट्रेशन है, इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी है, एंड अप्लाइज माउथ टू। सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है, जो कि जनरल अगर है तो मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है, प्लस फाइन है। अगर बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो मिनिमम 20 साल की इंप्रिजनमेंट है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है और प्लस फाइन है। ये जो फाइन है, ये फाइन लिया जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए। ये आपके पॉइंट वेयर एक्ट में लिखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आओ सेक्शन 5 और सेक्शन 9 पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सेक्शन 5 और सेक्शन 9 एक साथ क्यों लिखा है, और हम इसे एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो बात करी गई है काफ़ी सारी बातें इसमें कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ माइनर चेंजेस हैं सेक्शन 9 में, कुछ माइनर चेंजेस हैं। बाकी पूरी बात जो सेक्शन 5 में लिखी हुई है वही कॉपी करके सेक्शन 9 में भी लिखी हुई है। देखो क्या हो रहा है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है सेक्शन 5 में, एंड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट से हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आप, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये, सॉरी, ये जो मेरा, हाँ, क्वेश्चन है ये, और आपका आंसर जो होगा वो इसी में छुपा हुआ है, मेरे क्वेश्चन में ही। यहाँ पर लिखा है पेनिट्रेटिव, यहाँ पर क्या पेनिट्रेटिव लिखा है? नहीं लिखा है। तो यही डिफरेंस है, यहां पर पेनिट्रेशन होती है, यहां पर पेनिट्रेशन नहीं होती है। देखो, इसको मैंने चार तरीकों में डिवाइड किया, ये स्पेशल अक्यूज्ड एट स्पेशल प्लेस है, फिर उसके बाद स्पेशल मेथड है, स्पेशल रिजल्ट है, ठीक है, स्पेशल विक्टिम है, स्पेशल सिचुएशन है, पांच तरीके हो गया है ऐसी, चलो जो भी है। तो इस तरीके से आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशल अक्यूज्ड और एट स्पेशल प्लेस का मतलब है, स्पेशल अक्यूज्ड का क्या मतलब हुआ, वो पर्सन जो कि किसी अथॉरिटी पर है, ठीक है, वो पर्सन अगर कुछ ऐसा करता है, ठीक है। अब देखो क्या करता है, देखो हमारे क्लॉज ए और क्लॉज बी में लिखा है पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्स का अगर कोई इंसान है, और वो ऐसे एरिया में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट या सेक्शन 9 वाला अगर वो कमिट करता है, ऐसे एरिया में पुलिस स्टेशन के लिमिट में, मान लो कि उसका ज्यूरिसडिक्शन एक पर्टिकुलर एरिया तक है, उस लिमिट में अगर वो उसने सेक्शन 5 या सेक्शन 9 का कुछ भी कमिट किया, या फिर स्टेशन हाउस की प्रमाइसिस में यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर अगर उसने ऐसा कुछ किया, या फिर वो ड्यूटी पे था तब उसने सेक्शन 5 या सेक्शन 9 कमिट किया, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर था जहां पर वो ऐसा जाना जाता था दैट ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तब उसने सेक्शन 5 या सेक्शन 9 को कमिट किया,
यहाँ पर सेक्शन 5 और सेक्शन 9 में कोई पनिशमेंट नहीं बताई है, इसकी पनिशमेंट हमें बताई है 6 में और इसकी पनिशमेंट हमें 10 में बताई हुई। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की और एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट की। स्पेशल मेथड क्या है, एक मिनट सॉरी, स्पेशल विक्टिम अभी हमारा सॉरी स्पेशल अक्यूज और स्पेशल पेस हमारा खत्म नहीं हुआ, ये सारे भी स्पेशल अक्यूज हैं। पब्लिक सर्वेंट सी क्या है, पब्लिक सर्वेंट कोई हो सकता है, मैनेजर स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल जेल रिमांड होम प्रोटेक्शन होम ऑब्जर्वेशन होम प्लस प्लेस ऑफ सेफ्टी एजुकेशन होम, ये सारी जगहों का अगर कोई भी मैनेजर है या स्टाफ है। गैंग पीएसए, गैंग पीएसए मतलब गैंग पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, ठीक है। रिलेटिव ऑफ चाइल्ड बाय मैरिज ब्लड और अडॉप्शन, कोई चाइल्ड का रिलेटिव है वो अगर ऐसा कुछ करता है सेक्शन 5 या सेक्शन 9 में। ओनर मैनेजर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू चाइल्ड, अगर कोई सर्विस जैसे मान लो कोई सर्विस चाइल्ड ले रहा है या उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई कोई इंस्टीट्यूशन, उसका ओनर या मैनेजर, वो भी सेक्शन 5 और सेक्शन 9 में हमारे स्पेशल अक्यूज बताए गए हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो कि पोजिशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी पर है वो इंसान, ठीक है। देन पीएसए बाय प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर पॉक्सो और सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट किया है उसको ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्ट किया जा चुका था अंडर पॉक्सो और किसी भी सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंडर, तो ये सारे हमारे स्पेशल अक्यूज्ड हो गए। तो ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब स्पेशल मेथड क्या है, इनका मेथड क्या है वो भी देखो। डेडली वेपन फायर हीटेड सब्सटेंस, इन्होंने ये यूज किया, यहाँ पे सब्सटेंस की स्पेलिंग गलत है तो सही कर लेना, ठीक है, डबल ए लिख गया वहाँ पर, ठीक है। या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, किसी तरीके की बॉडली हार्म कॉज करता है, इंड्यूस करता है, एंटाइस करता है या कोर्स करता है चाइल्ड को कि आप ड्रग्स लो, कि वो बच्चा ड्रग्स ले या कोई केमिकल ले, किस लिए, ताकि वो अर्ली सेक्शुअल मतलब जल्दी सेक्शुअली एक्टिव हो सके। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है किसमें दे रखा है, सेक्शन 9 में दे रखा है, ये सेक्शन 5 में नहीं दे रखा है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 में दे रखा है तो नॉट अंडर सेक्शन 5, ठीक है, तो ये याद रखना है। अटेम्प्ट टू मर्डर प्लस पीएसए, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर भी करता है प्लस पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट भी वो कमिट करता है। देन मेक चाइल्ड नेकेड इन पब्लिक, चाइल्ड को पब्लिक में नेकेड करता है और पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट भी कमिट करता है। तो ये हो गया हमारे स्पेशल मेथड। देन स्पेशल रिजल्ट क्या है, अब ये करने से इस तरीके से ये चीज़ करने से क्या उसका रिजल्ट है, क्या क्या हुआ उसके बाद। फिजिकली इनकैपेसिएट हो गया चाइल्ड, मतलब कि उसको फिजिकली कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, मान लो कि उसको उसका हार्ट टूट गया, पैर टूट गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, मेड चाइल्ड प्रेग्नेंट और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। यहाँ पर लिखा है नॉट अंडर सेक्शन 9, तो देखो क्यों लिखा है यहाँ पर नॉट अंडर सेक्शन 9, ऐसे याद रख लो इसको, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि याद करना डिफिकल्ट हो जाए। तो देखो हमारे सेक्शन 9 में हमने क्या देखा, हमारे सेक्शन 9 में जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट के बारे में बात करी गई है। पेनिट्रेशन तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो जब पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो सकती, इस वजह से जो है ये दिस इज नॉट अंडर सेक्शन 9, दिस इज ओनली अंडर सेक्शन 5, ठीक है। या फिर HIV इन्फ्लेक्ट कर दिया उसमें, या चाइल्ड की डेथ कॉज कर दी, ये भी जो है सेक्शन 9 के अंडर नहीं है। स्पेशल विक्टिम हो सकते हैं, अभी चार तरीके के स्पेशल विक्टिम हो सकते हैं। आपने एक ऐसे चाइल्ड का फायदा उठाया है जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, जो कि मान लो फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, मेंटली वो डिसेबल है, पागल है, अनसाउंड माइंड का है वो। पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा अगर आपने ऐसा कुछ कमिट किया है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है अगर वो, तो आपने उसके ऊपर कमिट किया, तो स्पेशल विक्टिम्स में आ जाते हैं। व्हेन चाइल्ड इज प्रेग्नेंट एंड इट इज नोन टू द अक्यूज्ड, आपको पता है कि वो चाइल्ड प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी आपने ऐसा कुछ कमिट किया। स्पेशल सिचुएशन क्या हो जाती है, ड्यूरिंग कम्युनल सेक्रेटरी इन वायलेंस एंड नेचुरल कैलामिटी, कोई भी नेचुरल कैलामिटी के दौरान अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, यार अर्थक्वेक वगैरह यही सब नेचुरल कैलामिटी होती है, इन सब के दौरान अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो सेक्शन 5 और सेक्शन 9 में बताया गया, ठीक है। तो अब आओ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट में हमने बात करी है, सेक्सुअल असॉल्ट में देखो कोई पेनिट्रेशन नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होती है। सेक्शन 7 कहता है, डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट बताता है, क्या है डेफिनेशन सेक्सुअल असॉल्ट की। सेक्सुअल
इंटेंट क्या, देखो इसमें सेक्सुअल इंटेंट होता है, ठीक है, आपका सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो सेक्सुअल असॉल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्सुअल इंटेंट से टचेस वेजाइना पीनस एनस ब्रेस्ट मेक्स टच सच पर्सन और अदर इन्वॉल्व इन ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। तो यहाँ पर या तो वो वेजाइना टच करता है, एनस टच करता है, पीनस टच करता है, या ब्रेस्ट ब्रेस्ट को टच करता है, या फिर वो उस चाइल्ड से करवाता है या किसी और पर्सन से, पर्सन को इन्वॉल्व एनी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है लेकिन उससे पेनिट्रेशन नहीं करता, तो वो सेक्शुअल असॉल्ट में आ जाएगा। एक बार हम लोग सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है हूएवर विद सेक्शुअल इंटेंट टचेस द वेजाइना पीनस एनस ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टच द वेजाइना पीनस एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। या तो वो, देखो सेम चीज़ है, हमने अभी उसमें भी पढ़ा और हम फिर इसमें पढ़ रहे हैं, या तो वो खुद ऐसा करता है या फिर बच्चे से ऐसा करवाता है खुद के ऊपर या किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, ठीक है, और कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट को इन्वॉल्व करता है, पेनिट्रेशन नहीं करता। लेकिन तो सेक्शन 8 में इसकी पनिशमेंट बताइए गई है, मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल की पनिशमेंट है प्लस फाइन, और मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स की है प्लस फाइन। फिर आ जाओ एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ। तो सेक्शन 9 में जो है इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि सेम एज सेक्शन 5, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो हम लोगों ने देख लिए कि क्या सेक्शन 9 के अंडर आ रहा है क्या सेक्शन 9 के अंडर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होती है। एज आई टोल्ड यू, वो मैंने प्रेगनेंसी वाला जो आपको बताया कि आपको कैसे याद रखना है, वो आपको ऐसे याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 5 के अंडर ही हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 9 में हम कोई भी पेनिट्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन सेक्सुअल इंटेंट हमारा है, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप किसी को कन्विक नहीं कर सकते उन सेक्शंस के अंडर, ठीक है, बाय ऑल अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 5। इसमें वही अथॉरिटीज की बात करी गई है जो सेक्शन 5 में बात करी गई है। इसमें क्या पनिशमेंट है, पनिशमेंट है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मिनिमम 5 ईयर्स प्लस फाइन और मैक्सिमम 7 ईयर्स प्लस फाइन। ये जो पनिशमेंट है ये याद कैसे रखोगे, आप देखो अगर ध्यान से तो सब में 2-2 साल का ही गैप है। अगर हमें सेक्शुअल असॉल्ट की पनिशमेंट याद रखनी है जो कि सेक्शन 8 में है, तो मिनिमम जो है 3 साल की, उसमें 2 साल और बढ़ा दो तो वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो 5 साल की वो मैक्सिमम पनिशमेंट हो जाएगी 5 साल की। अब सेक्शन 10 में अगर हमें एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट देखनी है, तो मिनिमम जो है हमारे पास है वो 5 साल की है और मैक्सिमम जो है हमारे पास 7 साल की है। इसमें भी 2 इन्होंने ऐड कर दिया, तो ऐसे याद रख लो कि 2-2 अगर आप ऐड करते जाओगे तो पनिशमेंट उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। फिर आ जाओ लास्ट में सेक्शुअल हैरेसमेंट क्या होता है। अब सेक्शन 11 और सेक्शन 12 लास्ट है हमारा सेक्शन, हमारे 2 सेक्शन इस सेगमेंट के। देखो हर जगह सेक्सुअल इंटेंट आ ही रहा है, सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत जरूरी है इसके अंदर कन्विक्ट करने के लिए। मेक्स साउंड अटर वर्ड जेस्चर सीन हर्ड बाय द चाइल्ड। आप ऐसा कोई साउंड, ठीक है, करते हो या कोई वर्ड ऐसा अटर करते हो, कुछ ऐसा बोलते हो या किसी तरीके का कोई जेस्चर करते हो, कुछ भी ऐसा कुछ एक्शन करते हो जो कि उस बच्चे ने देखा सुना, ठीक है। मेक्स चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, उस बच्चे की बॉडी को एग्जिबिट करवाना चाहते हो। शो ऑब्जेक्ट फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, ठीक है, उसको पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए आप कुछ ऑब्जेक्ट दिखाते हो। फॉलो वॉच कॉन्टैक्ट चाइल्ड, आप उस बच्चे को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो या उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। थ्रेट टू चाइल्ड टू यूज मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन, ठीक है, एंटाइसिस चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ये सेक्शुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। इसकी पनिशमेंट क्या है, अप टू 3 ईयर्स है प्लस फाइन है। समझ में आया क्या है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा जल्दी से एक बार देखते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया और सेक्शन 4 में उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद हमने देखा सेक्शन 5 और सेक्शन 9 को हम लोगों ने साथ में पढ़ा, क्योंकि इसमें अथॉरिटीज जो इसमें अथॉरिटीज़ हैं बेटा वो सेम है, इस वजह से हमने उसको साथ में पढ़ा। कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी क्या डिफरेंट है। तो हमने सबसे पहले देखा स्पेशल अक्यूज्ड एट स्पेशल प्लेस, फिर इसके बाद देखा हमने स्पेशल मेथड, क्या स्पेशल रिजल्ट हुआ उसमें वो देखा, फिर उसके बाद देखा स्पेशल विक्टिम कौन हो सकता है, और फिर स्पेशल सिचुएशन देखी कि अगर स्पेशल सिचुएशन में ऐसा हो रहा है तो भी वो सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के अंडर आ जाएगा। फिर हम देखा सेक्शुअल असॉल्ट जिसमें पेनिट्रेशन नहीं होता है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, सेक्शन 7 में उसकी डेफिनेशन बताइए और सेक्शन 8 में उसकी पनिशमेंट बताइए।
एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट हम सेक्शन 9 पहले ही देख चुके हैं, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया कि माइनर चेंजेस हैं उसमें थोड़े से, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल इंटेंट है और कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रही है, और इसकी जो पनिशमेंट दी हुई है वो सेक्शन 10 में दी हुई है। फिर हम आ गए लास्ट सेगमेंट पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, जहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है सेक्शन 11 में सेक्सुअल हैरेसमेंट की, और पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 12 में जो कि अप टू 3 इयर्स है। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर, आप लोगों को ये सारे सेक्शंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।